साथ है, देखते हैं आज की खास खबर। बिजली गुल होने पर परेशान हो रहे लोग, अधिकारी फोन तक नहीं उठाते रात में कार्य करने के लिए, SNDL के पास दो लाइनमैन। उत्तर नागपुर के SNDL बिजली विभाग के सब स्टेशन नारी कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। रविवार को क्षेत्र के कई मकानों की बिजली गुल होने से नागरिक परेशान होते रहे। शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिससे नागरिकों में रोष निर्माण हो रहा है। कार्यालय में नागरिकों के जाने पर वहां कार्यरत कर्मचारी कहते हैं कि उनके पास रात में कार्य करने के लिए मात्र दो लाइनमैन है। इन दोनों लाइनमैन को कहां कहां भेजे, रात को SNDL के अधिकारी फोन तक नहीं उठाते हैं। रविवार को गांधी रोड पर पटेल नगर पीली नदी उपलवाड़ी क्षेत्र के कई मकानों की बिजली करीब 8 घंटे से गुल थी। क्षेत्र के नागरिकों के सब्र का बांध टूट जाने पर वे SNDL के सब स्टेशनरी नारी के कार्यालय में शिकायत करने पहुंचे। तब उन्हें बताया गया कि वे क्या कर सकते हैं, उनके पास रात के समय में कार्य करने के लिए दो ही लाइनमैन है। इस बारे में नागरिकों ने जब क्षेत्र के एरिया इंजीनियर पवन शर्मा से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। यही हाल अन्य अधिकारियों का भी रहा। कर्मचारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में 2 लाख से अधिक बिजली ग्राहक है, उन्हें सेवा देने वाले कर्मचारियों की बेहद कमी है, खासकर रात के समय परेशानी होती है। अधिकारियों के फोन नहीं उठाने पर नागरिकों और कर्मचारियों में झड़प हो जाती है। तो MNS न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।